Good morning, everyone. Continuing with our next topic, special items of non-trading concerns. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो non-trading organizations होती हैं, उनके लिए कौन-कौन से items हैं जो expenses हो सकते हैं, या फिर जो इनकम्स आपकी होती है, मतलब जो एक्सपेंसेस और इनकम की जो भी आपकी आइटम्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी आइटम है, दैट इज सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जब भी आप किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हो, तो आप उस में एक तो मेंबरशिप फीस आपने दी, लाइफ मेंबरशिप बन रहे हो, या आप एंट्रेंस फीस की भी एक आइटम होती है। सब्सक्रिप्शन होता है कि जब आप कोई अमाउंट पे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कि आपको कॉन्टीन्यूटी में उस चीज़ जो है वो, चाहे वो मैगजीन हो या चाहे कोई और इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको अवेलेबल होती रहे। जैसे सपोज इन जर्नल लाइफ आप कोई मैगजीन सब्सक्राइब करते हो, तो उस मैगजीन का आप एक पेमेंट पे करते हो और वो मैगजीन मंथली आपको आती रहती है। तो उस सॉर्ट ऑफ में जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, उनके पास सब्सक्रिप्शंस होती हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ रिसिप्ट है, जो रिसिप्ट साइट पे अपीयर करती है ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की, आप अपने मेंबर से रिसीव करते हो एक ईयर में, और आप उसे शो करते हो रिसिप्ट साइट पर। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसमें जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो, वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो सकती है, पास से भी, करंट से भी, और फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड से भी। ये जो आपकी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, सारी अमाउंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है आज सब्सक्रिप्शन, आप उस पूरी अमाउंट को एज अ इनकम ट्रेड नहीं कर सकते करंट ईयर की। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके अलावा जो आपका सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो आपकी एसेट साइड है बैलेंस शीट में, उस पे में वहाँ पे आप उसे शो करेंगे एज एक्रूड इनकम। मतलब हम कह रहे हैं कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगी करंट ईयर की, उसे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में आपकी रिसीव हुई है, तो आप उसे सब्सक्रिप्शन में से तो डिडक्ट करेंगे, लेकिन उसे आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे। इनके पूरा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी आइटम है, दैट इज डोनेशंस। डोनेशन का मतलब है जो अमाउंट रिसीव हुआ है किसी पर्सन से या कंपनी से या किसी अदर बॉडी से एज अ गिफ्ट। ये आपका अपीयर होता है, शो होता है रिसिप्ट साइड पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो डोनेशन है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर जनरल पर्पस के लिए, और ये लार्ज अमाउंट की भी हो सकती है, स्मॉल अमाउंट की भी होती है। अब जो आपने किसी भी डोनेशन को लार्ज मानना है या स्मॉल मानना है, वो डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ डोनेशन और जो आपकी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है उसके जो डीलिंग्स हैं, उसके जो अमाउंट में जिसमें वो डील करती है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप उसे लार्ज मानेंगे या स्मॉल अमाउंट मानेंगे। जो नेचर ऑफ डोनेशन है, कि वो उसे आपने रेवेन्यू ट्रेड करना है या कैपिटल रिसिप्ट ट्रेड करना है, वो डिपेंड करता है ऑन दी नेचर ऑफ डोनेशन, की क्या रेगुलरली आपको डोनेशन मिल रही है। जैसे आपकी जो जर्नल पर्पस की डोनेशन होती है, आप उसे रेवेन्यू नेचर का मान सकते हैं। जो स्पेसिफिक पर्पस की है, आप उसे कैपिटल रिसिप्ट का मान सकते हैं। अगर डोनेशन रिसीव हुई है आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए, लाइब्रेरी के लिए, तो आप उसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और उसे लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे बैलेंस शीट के, जब तक वो स्पेंड नहीं हो जाती। अगर डोनेशन जर्नल पर्पस के लिए है, तो अमाउंट अगर ज़्यादा है तो उसे भी आप कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। अगर जो अमाउंट स्मॉल है, तो उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट मान सकते हैं और उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर शो कर सकते हैं। देन लेगेसी, कई बार जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, उन्हें कुछ अमाउंट रिसीव होती है एज पर दी विल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो ये अमाउंट है, जब रिसीव आपको होगी, तो वो रिसिप्ट साइड पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिखेगी।
ये जो आइटम है वो नॉन रिकरिंग की नेचर की है, मतलब हर रोज तो नहीं मिल रही है आपको, कभी मिल गया नॉन रिकरिंग नेचर की है, तो इसे हम लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे बैलेंस शीट की। लेकिन अगर जो अमाउंट आपका है वो स्मॉल है तो इसे आप रेवेन्यू इनकम मान सकते हैं और उसे आप इनकम साइड पर शो कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है दैट इज एंट्रेंस फी, ये भी रिसिप्ट साइट पर शो होता है आपका, लेकिन एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग ओपिनियन अलग अलग है कि इसे रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया जाना चाहिए या कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट की जानी चाहिए। कई अकाउंटेंट्स कहते हैं कि ये कैपिटल नेचर का है क्योंकि ये नॉन रिकरिंग आइटम है और मेंबर सिर्फ इसे एक ही बार पे करता है, और जब सारे मेंबर्स इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप के लिए तब वो इसे पे करते हैं। जबकि जो दूसरे पर्सन्स है, जो दूसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि इसे रेवेन्यू आइटम की तरह माना चाहिए क्योंकि इसमें कांस्टेंट चेंजेस मेंबरशिप में होते रहते हैं, तो हर साल आपको मोर और लेस रेगुलरली जो एंट्रेंस फीस है वो मिलती ही मिलती है। और कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं कि एक पार्ट इसका हमें इनकम की तरीके से मानना चाहिए और दूसरा पार्ट इसका एज अ कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है तो जो एग्जाम्स में है आप इसे रेवेन्यू आइटम या कैपिटल आइटम कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको नीचे क्वेश्चन में नोट देना होगा कि आपने उसे एज अ रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया है या आपने एज अ उसे कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया है। देन नेक्स्ट जो हमारी आइटम है दैट इज लाइफ मेंबरशिप फी, ये जो फीस है उन मेंबर्स से चार्ज की जाती है जो परमानेंट लाइफ टाइम मेंबर्स बनना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन के। ये मेंबर्स मेंबरशिप फी पे करते हैं सिर्फ बिगनिंग में और उसके बाद इन्हें कोई पेमेंट पीरियडिकली नहीं करनी होती है। ये जो लाइफ मेंबरशिप है आपको रिसिप्ट साइड पर मिलेगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, और क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर की है तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की है और जो सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं और इसे हम लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं बैलेंस शीट की। कई बार जो फीस है आप ट्रांसफ़र कर देते हो किसी स्पेशल अकाउंट में और उस अकाउंट से एवरी ईयर एक अमाउंट जो आपका इक्वल है एनुअल सब्सक्रिप्शन के वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, और ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर जो बैलेंस है आप ट्रांसफ़र कर देते हो कैपिटल फंड अकाउंट में। देन है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल अगर आपने ओल्ड न्यूज़पेपर की है तो ये ऑर्डिनरी रेवेन्यू इनकम है और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा इसे। देन सेल ऑफ ओल्ड एसेट रिसिप्ट है ये भी, इसे कैपिटल रिसिप्ट आप मानेंगे और जो एसेट कॉलम होगा वहाँ से आप इसे जो बैलेंस शीट है आपकी वहाँ से आप इसे माइनस कर देंगे, लेकिन सेल पर जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसे आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू है 200 रुपीज़ और आपने उसे सोल्ड किया 400 का और प्रॉफिट हुआ आपको 200 का, तो ये जो प्रॉफिट है आप क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और अगर लॉस होता तो आप डेबिट साइड पर दिखाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है दैट इज सेल्ड ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स। क्लब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करते हैं, बॉल्स बैट्स एक्सेट्रा, तो जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है वो ओल्ड मटेरियल सोल्ड करने के बाद उसे आप शो करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है दैट इज स्पेसिफिक फंड्स। जब कोई फंड आप रेज कर रहे हो किसी स्पेशल पर्पस के लिए तो उसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा अनलेस वो अमाउंट आपने उस पर्पस के लिए स्पेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल चैरिटी फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड एसेट्रा, इसे आप शो करते हैं लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट की। जो भी एक्सपेंडिचर उस चीज़ के ऊपर इंकर हुआ है वो आप यहाँ से माइनस कर देते हैं। सपोज आपका प्राइज फंड था तो आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर इसे शो किया, तो अगर आपने कुछ करवाया है एक्टिविटी और उसमें आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो इस प्राइज फंड से आप उसे माइनस कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है वो इसी फंड से माइनस होगा, बैलेंस शीट में आप उसे शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप उसे शो नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट जो आइटम है हमारा दैट इज कैपिटल फंड। कैपिटल अकाउंट नहीं होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो भी एसेट और लाइबिलिटीज का डिफरेंस है वो कैपिटल फंड अकाउंट में डाला जाता है।
इसे हम लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं बैलेंस शीट की, और जो भी आपका बैलेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, मतलब जो भी आपका सरप्लस और डेफिशिएट है, उसे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर सरप्लस है तो हम उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, और अगर डेफिशिएट है तो हम उसे कैपिटल फंड से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है दैट इज़ एंडोमेंट फंड। कई बार फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक लार्ज अमाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किया जाता है। ये अमाउंट या तो वो डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी इनकम इस सिक्योरिटीज से मिलेगी आप उसे इनकम साइड पर शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, और अगर फिक्स लार्ज अमाउंट है तो उसे आप लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे बैलेंस शीट की। देन नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज़ पेमेंट्स ऑफ ऑनरेरियम। कई बार जो सोसाइटी है, क्लब है, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि वो कुछ लेक्चर डिलीवर करें मेंबर्स को, तो ये कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है एंटरटेनमेंट ऑफ मेंबर्स के लिए। आप जो भी अमाउंट इन पर्सन्स को पे करते हैं, परफॉर्मर्स को पे करते हैं, उसे ऑनरेरियम कहा जाता है। ये एक्सपेंडिचर की आइटम है और रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरह शो करेंगे। देन है मिसलेनियस रिसिप्ट। इसके अलावा रेंट, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये जो आइटम्स है इसे आप अगर रिसिप्ट हैं तो आपका क्या हुआ क्रेडिट साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आप इसे शो करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक स्पेशल आइटम्स का जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।